आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। श्रीमती महुआ मांझी जी से हम निवेदन करना चाहेंगे, चंद शब्द कहें। आज के इस कुनार महोत्सव की मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम आदरणीय माननीय विधायकगण, उपायुक्त महोदय, आयुक्त महोदया, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हजारीबाग के तमाम भाइयों बहनों, मीडिया के बंधुओं और प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको मेरा नमस्कार जोहार। मैं इस कोनार महोत्सव के सफलता के लिए जिला प्रशासन को साधुवाद देती हूँ, विशेष रूप से उपायुक्त महोदय को, जिन्होंने अथक अक्लांत परिश्रम से इस महोत्सव को सफल बनाया है। साथ ही मैं चाहूँगी कि ऐसा महोत्सव झारखंड के सभी जिलों में हो, राजधानी में भी हो, यहाँ से शुरुआत हुई है। मैं इनको शुभकामना देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हमारी माननीय राज्यपाल महोदया को, और अब उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया वे अपने विचार व्यक्त करें। कोनार महोत्सव में उपस्थित सभी विधायकगण, मंचासीन सभी अतिथिगण, जिले के सभी अधिकारीगण, सभी मीडिया पर्सन, देखने के लिए और सुनने के लिए और महोत्सव मनाने के लिए आए हुए सभी हजारीबाग के सभी भाइयों और बहनों, मुझे पता है इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। महोत्सव के समय में ये जो महीना है, ये फागुन का महीना, ये फेस्टिवल महीना है, हर कोई फेस्टिव मूड में रहते हैं। रंगोली भी शुरू हो गया है, हर पेड़ पौधों में जान आ गया है, फूल आ गया है, इसीलिए हर किसी के मन में भी ऐसे खुशियां मनाने के लिए खुशी उभार कर आ रहा है। इसीलिए मैं, क्योंकि आप लोग मुझे अतिथि के रूप में बुलाए हैं और इतने सारे भाई बहन, इतने सारे कलाकार यहाँ मौजूद है, दो शब्द बोलने का तो बनता है, इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले करके मैं अपने वाणी को 2-3 मिनट में ख़त्म करना चाहती हूँ। हजारीबाग जिले के प्रशासन द्वारा आयोजित कोनार महोत्सव में आप सभी के मध्य सम्मिलित होकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। इस महोत्सव में हमारे कोई ख्याति प्रसन्न एवं प्रसिद्ध कलाकार के साथ स्थानीय कलाकार ने भी भाग लेकर अपनी कला से न केवल लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि उत्तरी छटनागपुर क्षेत्र के जनमानस पर भी अपनी अमिट पहचान स्थापित की है। साथ ही हमारी युवा कलाकार के लिए प्रेरणा का कार्य भी किया है, हमारी कला संस्कृति का गौरवमय इतिहास रहा है। हमारे देश में विविध संस्कृतियाँ हैं, इसीलिए विविधता के एकता का सबसे अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। हमारे धार्मिक पुस्तकों में भी कला एवं कलाकारों का उल्लेख मिलता है एवं इन्हें सदा सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। हमारी कला एवं संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है। इस समृद्ध विरासत की बचाकर रखना है
ताकि सारे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम सदा यूं ही लहराता रहे। इस प्रकार के आयोजन से लोगों में कला के प्रति और प्रेम भाव बढ़ता है। हम प्रायः सुनते हैं कि हमारी कलाकारों के अन्य राष्ट्र के द्वारा भी कला का प्रदर्शन करने हेतु बड़े ही सम्मान से आमंत्रित किया जाता है। संगीत, गायन एवं नृत्य विधाओं की दृष्टि से भारत की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध रही है। संगीत एवं लोक नृत्य हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की पहचान है। ये हमारा देश की साक्षी संस्कृति का अनुपम उदाहरण है। यहाँ तक हमारी राज्य की बात है, हमारे राज्य के लोगों के कौन कौन में कला एवं खेल प्रेम देखा जा सकता है। झारखंड राज्य में संगीत एवं नृत्य की गौरवशाली एवं समृद्धि परंपरा सदा से ही है। नृत्य एवं संगीत इस राज्य की पहचान है, इसकी आत्मा में रची बसी है। इस राज्य के घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति में यह रचा बसा है। मैं शिक्षण संस्थानों का निरंतर भ्रमण किया करती हूँ। मैंने गौर से देखा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों में भी कला, संस्कृति, खेल के क्षेत्रों में असीम प्रतिभा निहित है। ये पढ़ाई के साथ साथ इस क्षेत्र में भी अच्छा कर रहे हैं। अपने प्रदर्शन से सबका मन मोह रहा है। हमारे राज्य में हर खुशी के मौके पर कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। झारखंड में लोक नाट्य एवं संगीत यहाँ के जीवन के बहुरंगी बनाने के कोशिश करते हैं। झारखंड का कोई भी पर्व या त्यौहार बिना नाट्य एवं संगीत संगीत के अधूरी है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि इस प्रकार के महोत्सव के आयोजन से प्रशासन और जनता की जनता में बेहतर संवाद भी होता है। जन सहयोग से ही किसी भी प्रकार का महोत्सव सफल हो सकता है। कहते हैं ना, साहित्य संगीत कलाबीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत एवं कला से रहित आदमी पूछ और सिंह के बिना पशु के समान होता है। एक बार मैं पुनः इस क्षेत्र के जनता को इस महोत्सव का सफल बनाने के लिए बधाई देती हूँ तथा आशा करती हूँ कि इस महोत्सव के द्वारा उनके समक्ष कला संस्कृति के क्षेत्र में कई प्रतिभा सामने आए होंगे और जो उनके बीच के होंगे उनकी प्रतिभा को उन्होंने कभी गौर नहीं किया है। बाह्य एवं नामचीन कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों में भी निहित प्रतिभा को सबके समक्ष प्रस्तुत करने का दिशा में पहल करने के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन को भी बधाई देती हूँ। ज़्यादा नहीं बोलते हुए, आप सबका ये बेचैनी देखते हुए मैं पुनः सबको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय हजारीबाग महोत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी श्रीमती वीणा श्रीवास्तव जी से कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। और हम स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे हमारे तमाम विधायक महोदय श्री मनीष जायसवाल जी, श्री जयप्रकाश भाई पटेल, श्री जानकी यादव, स्वागत हम करना चाहेंगे हमारे बीच माननीय विधायक बड़का गांव श्रीमती निर्मला देवी जी का और स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे कुनार महोत्सव की ओर से, प्रशासन की ओर से।
श्री मनीष जायसवाल जी, श्री जयप्रकाश भाई पटेल, श्री जानकी यादव, श्रीमती निर्मला देवी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कुनार महोत्सव के इस मंच पर। यह स्मृति चिन्ह हमारे प्रशासन की ओर से आपको भेंट। श्री जय नंदू जी, श्रीमती महुआ माझी जी, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग झारखंड, तमाम अतिथिगण का बहुत बहुत अभिनंदन। उपायुक्त महोदय जी के साथ आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अब हमारे कार्यक्रम के मनोरंजन के कार्यक्रम की शुरुआत की ओर अब हम बढ़ने जा रहे हैं। हजारीबाग हजारों बाग का शहर, लेकिन अब दुनिया सिर्फ हजारीबाग को उसके हजार बागों के लिए नहीं, एक और चीज के लिए जानने लगी है। क्या है वो चीज? वो है हजारीबाग का पेंट माय सिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि यह हमारे प्रशासन का सपना है कि जिस तरह अलग अलग शहरों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, वैसे ही हमारे हजारीबाग को लोग कहें द सिटी ऑफ स्पीकिंग वॉल्स, वो शहर जिसकी दीवारें एक कहानी कहती हैं। तो पेंट माई सिटी का संदेश लेकर कुनार महोत्सव आया है आपके बीच, स्वच्छता का संदेश लेकर, क्लेनलीनेस का संदेश लेकर, स्वच्छ भारत का संदेश लेकर आपके बीच आए हैं हम इस कुनार महोत्सव में। और अब हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे कुनार महोत्सव के इस 19 मार्च के कार्यक्रम की। आज हमारे बीच बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कुमार शानू आने वाले हैं जी, और वही नहीं आप सबने इंडियाज गॉट टैलेंट में देखा होगा, प्रिंस डांस ग्रुप आने वाला है और आप सबके चहेते जिनके बैनर्स पूरे शहर में लगे हुए हैं, MJ5 आने वाले हैं। हर दिन की तरह हम आज के दिन की भी शुरुआत हमारे स्थानीय कलाकारों के साथ करने वाले हैं। और मुझे दिख रहा है कि काफी उत्साह हो जाता है, जैसे ही कैमरा हमारे ऑडियंस की तरफ पैन करता है उनका उत्साह और भी ज्यादा बढ़कर आगे आता है। अब हम आपके बीच लेकर आने वाले हैं सम्राट संस्था के कलाकार। सम्राट संस्था जो कि 40 साल से कार्यरत है, और वो जिस प्रदर्शन को आपके सामने लेकर आने वाले हैं उसके बारे में मैं यही कहूंगी कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। जिस तरह परिंदों को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती, हिंदुस्तान के नौजवानों को देशभक्ति की तालीम देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देशभक्ति उनकी रग रग में बसती है और वही नौजवान आगे चल के अपने देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रदर्शन, सबसे पहली प्रस्तुति उन्हीं जवानों को एक सलाम है इस कुनार महोत्सव के जरिए। जोरदार तालियां हो जाए उन जवानों के नाम। हेलो हेलो, थोड़ा सा मेरा कम है, आप बढ़ा दीजिए साउंड वाले भाई साहब। आप सभी लोगों का, हजारीबाग के तमाम लोगों का, हमारे सर का, हमारे मुख्य अतिथि का, सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं अमिताभ श्रीवास्तव, हमारी टीम जवानों के नाम, जाबाज जवानों के नाम, सैनिकों के नाम एक प्रस्तुति लेके आ रही है। जब तक हमारी टीम यहां आ रही है, दो मिनट मैं आप लोगों को थोड़ी सी ऊर्जान्वित कर देता हूं, ऊर्जा से भर देता हूं। कैसा रहेगा? थैंक यू। मैं आपको
कुछ दो तीन ऐसी आवाजें जो हमारे सांसद विधायक हमारे मनीष जी को पसंद आई थी, वो दो तीन आवाजें आपके सामने मैं रखूंगा जो कि आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। फिल्म घातक, सनी देओल की आवाज आपके सामने, आंख बंद करेंगे तो कुछ पल के लिए महसूस करेंगे कि सनी देओल यहां मौजूद है। डैनी कहते हैं, काशी भाई हमारे बीच रहो, मर्दों के बीच शेर बनकर। सनी देओल, शेर भी पिंजरे में आके कुत्ता बन जाता है कातिया, तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भाकू, तू कहे तो काटू, ये गोंद पसेने की ताकत है कातिया, लोहा पिघला के आकार बदल देता है। हमारे डीसी साहब पेंट माई सिटी अभियान को बहुत ही प्यार मोहब्बत से चला रहे हैं और हम लोग भी जुड़े हुए हैं। अगर संजय दत्त पेंट माई सिटी को अपने अंदाज में अगर आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से। मेरे भाई लोग सुनने के क्या, पेंट माई सिटी रंग दो मेरे शहर को, क्या ए पाकिया समझाने का, पूरा कलर करने का अपन को शहर को, क्या नाना पाटेकर साहब पेंट माई सिटी कैसे रंग दो मेरे शहर को। हेलो, पीछे से बोल रहा है। रेडी तो तैयार है, शहीदों के नाम हमारे लोग। और अब खास तौर से कोनार महोत्सव के लिए सजाया गया, बनाया गया पाइका नृत्य, जिसके लिए नंदलाल जी का ग्रुप पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। पाइका, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे झारखंड की धरोहर है, हमारे झारखंड की विरासत है, इसी पाइका को अपने अंदाज में लेकर आपके सामने आ रहे हैं इस पेंट माई सिटी संदेश के साथ। एक और कला जो झारखंड की है, जो झारखंड की मिट्टी से जुड़ी है, उसे लेकर नंदलाल जी और उनका ग्रुप। नंदलाल ग्रुप के हमारे वॉरियर ड्रमर्स 113 से भी ज्यादा देशों में झारखंड का नाम रोशन कर चुके हैं। 113 से भी ज्यादा देशों की जनता को झारखंड के मिट्टी की एक झलक दिखा चुके हैं, जो झलक आज आप भी अपनी आंखों से देखने वाले हैं। नंदलाल जी और ग्रुप का यह पाइका प्रस्तुति। कलाकार का बहुत उत्साह बढ़ाया है और जो हमारे जितने भी मेहमान कलाकार आए हैं बहुत ही खुश और बहुत ही हर्षित होकर गए हैं आप लोगों के प्यार से। तो फिर अपनों के लिए भी यही प्यार नजर आना चाहिए, हमारे अपने नंदलाल ग्रुप के लिए, झारखंड के इस ग्रुप के लिए कितना प्यार है आपके पास।
सुनो सुनो सभागा सभे करी निवे